नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C61 versus Samsung Galaxy F05 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C61 में 6.59 इंच जबकि F05 में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो C61 में 3.02 इंच जबकि F05 में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो C61 में 0.31 इंच जबकि F05 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि C61 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो C61 में 187 ग्राम जबकि F05 में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि C61 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो C61 में IPS LCD जबकि F05 में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C61 में 6.78 इंचेस जबकि F05 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C61 में 86.54% जबकि F05 में 82.1% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C61 में 259 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F05 में 262 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C61 में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और F05 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C61 में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F05 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C61 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और F05 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C61 में Mali-G57 जबकि F05 में Mali-G52 मेगाकुलम 2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C61 में Unisoc T612 और F05 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो C61 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि F05 में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो C61 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि F05 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो C61 में अप टू 2TB जबकि F05 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C61 में 2 कलर्स जबकि F05 में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C61 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 7699 रुपीस
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 8999 रुपीस में मिलता है। और बात करें F05 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 7999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C61 में 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy F05 की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में F05 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F05 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A3 Pro 5G है, दूसरा OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है, तीसरा Moto G85 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 13 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।